नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बाबू आर्य है और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वैदिक शिक्षा खत्म। मैं एक बार नहर के किनारे घूम रहा था और बहुत सारे पुरुष स्त्री वहाँ पर घूम रहे थे। कुछ बैठे हुए थे और मैं भी उनके साथ बैठ गया। एक काका उसमें से वैदिक रास्ते पर चल रहे थे, उनका पुत्र भी वहीं पर था। उन्होंने सुबह का स्नान करने के बाद वहीं पर संध्या की और संध्या समाप्त होने के बाद उनके पुत्र ने उन्हें पैर छूकर पापा प्रणाम किया। पैर छूना तो अच्छी बात है, लेकिन पापा गलत शब्द है, मैं भी उन्हें देख रहा था। प्रणाम शब्द भी अच्छा है और पैर छूना भी अच्छा है, लेकिन पापा शब्द तो अंग्रेजों का है, ये ठीक नहीं है। फिर मैंने काका जी को कहा, काका जी ये तो ठीक नहीं है, पापा शब्द ये गलत है। आप तो वैदिक रास्ते पर चलते हैं और आपने अपने पुत्र को वैदिक शिक्षा अच्छी प्रकार से नहीं सिखाई। काका जी पहले तो आप अपने परिवार में सही ज्ञान दो, जैसे मम्मी पापा को, माता पिता, नाना नानी को, माता मह माता मही, दादी बाबा को, पिता मह पिता मही, और जैसे दोनों टाइम संध्या होती है बिल्कुल सही से, मतलब दिन छिपने से पहले और सूरज उगने से पहले सुबह को ख़त्म कर दें और शाम को दिन छिपने से पहले उठ जाएं ऐसे। और पुत्र या पुत्री के जन्मदिन पे केक ना काटे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हवन सुबह ही कर दे वो सबसे अच्छा होगा। और अपना मतलब हिंदुओं का नया साल मनाएं, अंग्रेज़ों का नया साल मत मनाएं। और लोगों को भी समझाए कि ऐसा नहीं, आप अंग्रेज थोड़ा ही हो, आप तो हिंदू हो, अंग्रेजों ने हमें ऐसा मारा है, ऐसे कराए, हमको फांसी दी, ऐसे घोड़े पे घसीटा है हमको, ऐसे ऐसे उन प्रकार उन्हें बताओ। और कहो जैसे आप राम की पूजा करते हो तो वे भी तो वैदिक रास्ते पर चलते थे, संध्या करते थे दोनों टाइम। आप इसकी पूजा करते तो कृष्ण की, श्री कृष्ण की, श्री राम की, ऐसे उनको बताओ कि वे भी तो वैदिक रास्ते पर चलते थे और ऐसे ही हम चल रहे हैं। और फिर आप उन्हें क्या पूजा करते हो, जब आप उनके रास्ते पर तो चल नहीं रहे, आप बस उनकी मूर्तियों की पूजा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, आप उनको समझाओ। और अगर हम अकेले अकेले ही करते रहे तो उससे क्या हमें लाभ मिलेगा। अगर हमें दोबारे वैदिक पद्धति ज्ञान शिक्षा गुरुकुल आर्यवर्त देश बनाना है तो ये सब हमें करना पड़ेगा। और ये सब जब भी होगा पहले अपने घर परिवार में ठीक से समझाओ, फिर अपने आस पड़ोस में, और फिर प्रचार करने शुरू करो और कहो कि आज हमारे यहाँ हवन है आना। और ये मत कहना कि वैदिक हवन है, उनके कहो हमारे यहाँ पूजा है। और जिसके घर जाओ आप उनको थोड़ी थोड़ी सामग्री दे दो और कह दो अगर आप ये हवन में नहीं डालोगे तो आपके ऊपर पाप चढ़ेगा, आना जरूर है आपको, प्रसाद ही मिलेगा, तुम्हें जरूर आएंगे, जो नहीं आएंगे पाप चढ़ेगा। और प्रसाद लेने तो लोग बाग वही जरूर आते हैं, हवन में बैठेंगे आपके तो उनके कुछ समझ में भी आएगा। ऐसे अगली बार कुछ और कहो उनको कि आपको ज़रूर लेके आना है, नहीं तो आपके ऊपर पाप चढ़ेगा, और वे फिर ही जरूर आएंगे आपके हवन में। और ये भी कहना आप इसको कहीं फेंक भी मत देना या कहीं भूल भी ना जाना, तो आपके ऊपर और पाप चढ़ेगा, ऐसे बताओ उनको, तो वे ज़रूर इसे ले के आएंगे सामग्री को, तो उनकी कुछ समझ में भी आएगा थोड़ा बहुत। अब देखो अगर हमें वैदिक शिक्षा चलानी है तो हमें ये सब करना पड़ेगा, उनको घर में बुलाओ, उनको समझाओ, ऐसे हमें ये सब करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई भी गलती लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।